नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बुधवार को गालापार क्षेत्र के खेड़ा और कुंवरपुर ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने खेड़ा स्थित कालीचौड़ मंदिर मार्ग का भी निरीक्षण किया। बता दें कि खेड़ा स्थित कालीचौड़ मंदिर निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि मंदिर के पास लगभग 500 मीटर पैदल मार्ग के सुधारीकरण के लिए शीघ्र प्रस्ताव बनाए। साथ ही मोटा मार्ग के लिए अगर वन सहमति दे तो मार्ग का निर्माण वन विभाग से ही कराया जाए, अन्यथा मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जरूरी कार्रवाई करें। अधिशासी अभियंता ने बताया कि मंदिर मार्ग में गैठाणी नाले में काजवे के लिए 12.72 लाख रुपए की धनराशि का टेंडर हो चुका है और काम भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। मंदिर निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किसान सेवा सहकारी समिति कुंवरपुर में उत्तराखंड सहकारी संघ की ओर से लगाए गए धान क्रय केंद्र और सहकारी समिति के कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र पर सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं नोटिस बोर्ड पर दर्शाई जाएं और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी लिखे जाएं, जिससे किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आपको बता दें कि सहकारी समिति के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने तहसीलदार को आदेश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर नमी मापक यंत्र, कांटा, पीने के लिए पानी के साथ ही किसानों को क्रय केंद्र में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।